ओके वो वेट कर रहा है उनकी थ्रो करने की, थ्रो करो धीरे धीरे. और ये देखो पापा के पास बैठा हुआ. यहाँ पे हमारे खेत में कुछ क्रेन्स लैंडिंग कर रही है. इन दिनों बहुत कम दिखती है. वैसे कुछ बैठी थी वो सभी अभी जा रही है कहीं और. अभी क्या हो रहा है कि मूंगफली सब वगैरह के लिए आती थी पहले में, मूंगफली निकाल के जल्दी जल्दी कुछ दूसरा लगा देते तो इनके खाने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. पता नहीं राधा को मस्ती चढ़ी है कब की, इधर उधर भाग रही है. सर हम सबको गुड इवनिंग. वैसे आज ब्लॉग स्टार्ट करते करते इवनिंग हो गई है. आज ओम की एग्जाम थी और आज अभी टीलू को यहाँ पे चेंज किया है और शिवानी का भी ऑलरेडी सब कुछ नीचे का क्लीन किया हुआ है. सूरज भाई यहाँ पे है और यहाँ पे संतला, ये सब पूरा क्लीन किया है क्योंकि बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया था. आज जाके पूरा क्लीन हो चुका है और अभी थोड़ी देर इसको सूखने देंगे और फिर टीलू को वापस यहाँ पे ले लेंगे. ठीक है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चेंज कर देंगे. मेरा राधा भी वहाँ पे खाना खा रही है. देखिए खोल देती है. सनसेट होने वाला है तो गाय का काम अभी स्टार्ट होगा दूध निकालने का. और यहाँ पे अभी ओम बिजी है कुछ बनाने में. पाइनएप्पल बनाया था, अभी इसको तोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ. अब क्या बना रहे? कोई ने यहाँ से खा लिया और यहाँ से. अच्छा, वो ओम ने तो नहीं खाया होगा. मुझे भी खाना है. क्यों खा नहीं सकते? मुझे लगा ये पूरा खाने का था इसलिए मैंने खाने की कोशिश की तो हमको लगा कि ये पूरा नहीं खाने का है. हाँ. अब तो बन गया नया, अब क्यों गुस्से हो? दिन ढलने को ज़्यादा टाइम नहीं है और यहाँ पे माही अभी रज का कट कर रही है. फिर से बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है. अजय कपन छोड़ू नहीं. हाँ. मुझे दो या हाँ. मुझे पहले किलू को यहाँ से वहाँ चेंज करना है. रामदेव भी गया है हेयर कट के लिए, मुझे तो भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रख के चेंज करना होगा. अभी शिवानी को भी अंदर चेंज करना है. किलू आराम से चली गई अपने घर, इसको पता है कि वहाँ पे ही जाना है. सूरज रेडी दूध पीने के लिए? अभी इसको देखना. चल सूरज राजा. ओ, इतनी स्पीड में आता है. इस साइड से, इस साइड से सूरज. तो सूरज अभी लग गया है दूध पीने में. छोटू अभी दूसरे आंचल में लगा हुआ है. तो मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा सेटअप करवाया, मतलब शेविंग वगैरह. दाढ़ी तो मैं रखता हूँ ज़्यादातर, कभी कभार ही क्लीन शेव करता हूँ, बाकी इतनी तो होती है. और साथ ही कर रही है यहाँ पे टीलू का मिल्किंग. सूरज, सूरज ने दूध पी लिया. हाँ, टमी फुल लग रही है अभी. तो इसको मस्ती करनी है. देखो कोई आया है. कौन है? वो सूरज. सूरज ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना सर. इवनिंग को ये एक बकेट भरती है, सुबह इससे ज्यादा 3 लीटर जितना करती है क्योंकि अभी इसको ज्यादा पिलाते हैं क्योंकि सूरज को पिलाते जब तक वो फूल होता है. तो
तो अभी 5 लीटर जितना करती है, सुबह अराउंड 7 लीटर हम निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि जब तक कि 1 महीने का हो अराउंड, तब तक इसको फुल दूध पिलाते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना वगैरह और दूध थोड़ा कम देते हैं ताकि ये खाना भी अच्छे से खा जाए, खाए और सीख जाए। जो भी एक्स्ट्रा वाला है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। एग्रेसिव हो रही है थोड़ी सी क्योंकि सूरज को भी रामदेव वहाँ पे लेके गया, इसकी वजह से। सूरज पकड़ना कर पास मुका वजह। दूध पियो और दूध पियो, ताकतवर बनो। वो लेडी वहाँ से भूख रहा है। दादी माँ से मिलो अपनी, हेलो बोलो। इसको अभी अंदर लेने का टाइम हो गया। अभी यहाँ पे खुले में रखते हैं और इसको बाहर अलग रखने का कारण ये सभी को मारती है। हाँ। इंक्लूडिंग मीरा। मैंने कल के वीडियो में बताया मतलब अंदर। मीरा को मारने जाती है, फिर मीरा इसके ऊपर सीरियस हो जाती है। एक दो बार बुरी तरह से मारा है मीरा ने इसको, तो फिर इसकी वजह से अंदर नहीं लेके जाते। वो उसके पास लेके जाओ थोड़ा सा। इसमें भी इतनी एनर्जी आ गई देखो। हेलो हाँ मजा मजा आ बोले बाहु खराब है ना बोले वासड़ा देखे कौन बहुत शिवानी और टीलू दोनों इसको बोल रहे हैं कि कहाँ पे लेके जा रहे हो, अंदर लेके आओ इसको। तो यहाँ पे अभी जो सुबह का दूध होता है वो और अभी का दोनों को गर्म करने के लिए रखा है। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसको दही जमाने के लिए हम छाछ डाल देंगे ठंडा हो जाने के बाद। और खिचड़ी हो गई है रेडी, तो यहाँ पे है खिचड़ी। अभी ओम खाएगा खिचड़ी, तो इसमें ओम को चाहिएगा बहुत सारा मक्खन, साथ में फेवरेट भी होगी, ओम को तो बहुत पसंद है। अभी मुझे बनाना होगा खाना, खिचड़ी हो गई रेडी। इसको अभी सब्जी का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्या खाना है अब सब्जी में, क्या खाओगे? रोटी पड़ी है, रोटी तो है नीचे का वो, तो फिर अभी देखना पड़ेगा, तो फिर मैं आऊंगा या फिर थोड़ा सा रोटला या तो ओनियन, तो फिर मैं नहीं आवा हूं। अरे ओए हो तू, अभी गायों का हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म, अभी थोड़ी देर बैठेंगे वहां पे। और मेरा काम अभी है, तुम्हारा कल एग्जाम है तो अभी रिवीजन करना है, ठीक है हिंदी का। तो रोटी की सब्जी का मैंने बाती को याद दिया और लकली कुछ रोटियां पड़ी थी। हाँ, तो इसकी अभी बन जाएगी और रोटला दोनों बन जाएंगे। हाँ, दोनों साथ में ही खाना है ना, वरना फिर आगे को हो जाएगा ना। नहीं साथ में, दोनों सब साथ में, ठीक डिनर में। अभी यहाँ पे हमारा इवनिंग का बैठने का टाइम है और बाहु देखो इसको खिचड़ी की स्मेल आ गई क्योंकि वहाँ पे छोली खींच हुई है। यस मेरे बाहु, नहीं वो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा बाहु क्योंकि यहाँ पे छोली खींच हुई है। मम्मी ये देखो, ओके यहाँ पे है खिचड़ी, ठीक है। हाँ अभी अंधेरा हो गया लेकिन प्याज लेने के लिए आई, ये तो गाजर है। ए बाहु बोल रहे हो मैं तुमको हेल्प करूं, कुछ हेल्प चाहिए? बाहु बोल रहे मुझे हेल्प करनी ही करनी है, देखो देखो वो बोल रहे हो मुझे हेल्प करनी है, कुछ भी करो। तू क्या कर रहा है बाहु? ओह माय गॉड, क्या किया बाहु? अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है जा रही हूँ मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बाय बाहु। तो अभी मम्मी गई है काजल के पास और मैं रोटला भी बना रही हूँ। सब्जी कुछ बनाने का प्लान नहीं था, फिर स्प्रिंग ओनियन की सब्जी बनाई है आज। और अभी यहाँ पे जो रोटी मैंने रेडी करके रखी है इसमें मैंने प्याज एंड ग्रीन चिली है। रोटी की सब्जी हमारे घर में तो सबकी फेवरेट है, तो अभी ये बना रही हूँ और साथ में रोटला भी बन रहा है। मैं तो मैंने थोड़ा सा इसमें अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो ये रोटी सब में डाल देते हैं, सारे मसाले भी डाल देते हैं। ये जो कराटे में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? थोड़ा सा
पीछे जाओ तो फिर दिखेगा। हाँ कराटे कैसे करते, हाथ से करके दिखा, ऐसे कोड़ने वाला नहीं, नॉर्मल ऐसे करते। जब थोड़े से अभी ये कोरोना का सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर तुम कराटे क्लास में जा सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा दूर रह के करो, फिर दिखेगा मुझे ऐसे। ओके अभी ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है रोटी अच्छे से ऑयल में। अभी मुझे इसमें छाछ ऐड कर दी, दो कटोरी जितनी। तो अभी यहाँ पे रोटी की जो सब्जी बनाई थी कोई लोगों की रिक्वेस्ट पे वो रेडी हो गई है। और ये बनाया है हमने स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी, वो भी अच्छी है। और हमारी टीलू का जो दूध है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है इस बार, क्योंकि अच्छे से खाना मिल रहा है, बीमार भी नहीं हुई है और हेल्दी खाना खा रही है, ऑर्गेनिक सारा। भैंस के दूध जैसा ही है, डिफरेंस बहुत ठीक है। और मम्मी अभी क्विक में मूली लेके आए खेत में से, तो वो भी वॉश करके आते हैं। ओम अभी अंदर है, फिर खाना खाने भेज देते हैं। ये मम्मी अभी लेके आई है मूली, ये एक वो भेजो ये बेचारे को खाना नहीं मिला चल। लेकिन अभी ये नए वाले हैं, जो लास्ट था एक वो खत्म हो गया, अभी ये पूरी दूसरी बार लगाई हुआ है। रिसाइकलिंग टाइम किसका हुआ है? मेरा एक बार तो ये राउंड होता ही है ओम का पूरे दिन में, दोपहर को, मॉर्निंग को या फिर अभी। अच्छी ब्रेक सिस्टम है इसकी, है ना? डिस्क ब्रेक है। ओके वो इतना तेज ब्रेक है, बहुत तेज है। ए बाहू ओके इतनी फास्ट अंदर जाता है, देखना अभी अभी लेके दौड़ के जाएगा। ये मस्ती होती है दोनों की, बाहू की एंड ओम की, रोज की। वो इतनी स्पीड में आता है वो। फिर ये होता है, क्या होता है देखो, फिर ऐसे करता हूँ, फिर वो पकाने के लिए जाता है, तब तब मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं। ओ ड्रिफ्ट किया हाँ बाहू तुमने। और अभी ओम तुमको अभी क्लास वो अभी मम्मी पापा रामदेव बाहर बैठे हुए, और ओम तुम्हारी कल हिंदी की एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी जरूरी है, ठीक है? उंगली निकालो नाक में से क्योंकि कल क्या है कि इंग्लिश में तो हमको इजी लगता है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा इसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो अच्छी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है? गुजराती का तुम क्यों भूल जा रहे हो? ओके बाहू कहाँ गया, अंदर है क्या? वेयर आर यू बाहू? पीकाबू निचारेगा। ओ माय गॉड इतनी स्पेशल स्पीड देखो। हाँ वो जब अंदर होता है तब कुछ भी नहीं लेने देता। ओह तुमने उसका घर छुपा दिया बेचारे का। ओह दे दो उसको, इधर रख दो उसका घर। इधर ले लो उसका घर, थोड़ा सा इस साइड में की जगह पे। हाँ अब हो जाएगा नहीं समझ में वो खींच रहे अपनी साइड। ओ हम उसको हेल्प करवा, अब दे दो उसको, ठीक है? दे दो ऐसे होता है। मैंने इसका एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। हाँ चलो अब जाने दो, जाने दो कुछ। यहो वो क्या वो रेडी है ओके वो वेट कर रहा है ओम की, थ्रो करने की, थ्रो करो धीरे धीरे। ये फॉर 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 उड़ी पतंग, उड़ी पतंग। अभी यहाँ पे ना कल हिंदी की एग्जाम है तो थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। इसको
को क्या है? को को, को के पीछे आ की मात्रा, तो क्या हुआ? का काटा, काटा उसको, उसको काटा, काटा खूब, खूब लगाया, खूब लगाया। नहीं पिक्चर में नहीं देखा तो कोई ओके तो अब ये इसकी रिवीजन करना है और इसके बाद थोड़ा सा कुछ। अभी आजकल हम ना एक सीरीज देख रहे हैं जो बहुत लंबी है, खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो वही देख रहे हैं। एंड ओम का कल हिंदी का पेपर है, बाद में सब इजी। अब लड़ने में झूठी पतंग, सर 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 मुझे नहीं पता, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, मुझे नहीं पता। इस तरह की कविताएं बहुत बोलते थे पहले, मतलब दौड़ते जाते थे, कविता बोलते जाते थे। वो एक हो जाता था ना, वो क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, रटवाते थे पता नहीं इसको क्या, बस वो याद करते जाना होता है नेक्स्ट डे, मतलब बिना बुक्स में देखे बोलना होता है। आज का पेपर पता है ना, एक घंटे का सिर्फ 20 मिनट में खत्म कर दिया था आज। कितना? 14 मिनट में खत्म कर दिया था। हाँ बहुत स्पीड में खत्म कर दिया था, तो कल भी ऐसे ही करना है, ठीक है? कल वाले का नहीं लग रहा है, क्योंकि वो हिंदी थोड़ा सा पढ़ने में वो लगता है इसलिए। तो अभी इसके बाद थोड़ा सा ओम का आई क्यू फिट, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये कौन सी गेम है जो ओम खेलता है, वो आई क्यू फिट उसको बोलते है, तो इसमें हाँ? मजा आता है बच्चों को, इसमें आई क्यू फिट लिखा है। हाँ आई क्यू फिट है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते है यहाँ पे खत्म, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। आई क्यू फिट का नहीं, पहले ये रिवीजन करना बाकी है, वो करना है, उसके बाद आई क्यू फिट करना, पहले ये कर लो। बाय बाय बोल दो दोस्तों को, बाय, राम राम सीता राम, जय श्री राम, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, लाइक लाइक और लाइक करना है, कमेंट भी कर सकते हो, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी खत्म, शेयर भी कर सकते हो। ओके बाय बाय, ओम नमः शिवाय, नो कटिंग ट्रीज, नो पोल्यूशन, ओके बाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। को का काम नो ही हो है, और फिर पास में ऊपर लाइन, एक है लाइन और ऊपर, तो ओ की मात्रा, तो हो में ओ की मात्रा लगती है, तो क्या होता है? हो, यस, हो, हो काम न हो नो, नहीं एक की मात्रा है न के ऊपर, एक की मात्रा, नहीं काम न होने, न होने अंधे, एक एक ओ वो अंडा, अंडे अंडे में से चूजा चूजा के मुर्गी का, मुर्गी का चूजा, चूजा निकला, तो ऐसे खेलना होता है आई क्यू फिट। हाँ इसमें जो भी होता है, जैसे अभी ओम पहुंचा है 86 नहीं 85, तो इसमें 85 तीन में ऑलरेडी हो गया, ओम ने कर लिया ऑलरेडी, तो आपको एक बार वापस दिखाता है। तो ऐसे तीन होते हैं, बाकी के जो बच्चे होते हैं सबको अच्छे से फिक्स करना होता है। और कोई होल भी बाकी ना रहे और कोई बच्चे भी नहीं, ऐसे। इसमें ये होता है कि जो इसमें लिखा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं वो फिर कर लेना है, इसको मूव नहीं करना है, ये मूव नहीं कर सकते, बाकी हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो फिक्स है, वो फिक्स हो जाते हैं, जो फोटो में होते हैं वो फिक्स होते हैं। ओके चलो, और अभी हम ऑलरेडी मास्टर लेवल में पहुंच गया है। इसमें अभी तो हमने कर लिया एक बार, तो ये इजी लग रहा है, वरना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। ओके ऑल डन हो गया, बाय बाय। फर्स्ट फॉर्म इसका ऐसा है और सेकंड फॉर्म ऐसा है। हाँ इसको किसी भी साइड लगा सकते हैं। हाँ जैसे इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे, फिर इसका वो चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे करना होता है तो उसी ऐसे, और फिर इसको यहाँ से लेके फिर यहाँ पे रखना होता है तो उसी, तो फिर ऐसे। ओके ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं आ रहा है। ओके।